दोस्तों 12 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान के खिलाफ मैच खेलना है, जिसके लिए चेन्नई की टीम में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों चेन्नई की टीम इस वक्त इंजर्ड खिलाड़ी से काफी परेशान है। जहाँ चेन्नई की टीम में पहले ही मुकेश चौधरी और काइल जेमिसन चोटिल हैं, वहीं अब टीम के स्टार गेंदबाज दीपक चहर भी चोटिल हो चुके हैं और वो आने वाले 4 से 5 मैच में बाहर हो चुके हैं। वहीं बेन स्टोक्स 17 अप्रैल को आरसीबी के खिलाफ मैच में खेलने वाले हैं। वहीं मोइन अली फिट हो चुके हैं और हमें इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ इस प्रकार हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 राजस्थान के खिलाफ। ओपनिंग करते हुए यहाँ पे हमें ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे दिखेंगे। दोनों ही बल्लेबाज काफी खतरनाक फॉर्म में है, खास करके ऋतुराज गायकवाड़ 3 मैच में 189 रन बना चुके हैं। वहीं नंबर 3 पर मोइन अली आ जाएंगे तो नंबर 4 पर हमें यहाँ पे अंबायती रायडू खेलते हुए दिखेंगे। वहीं नंबर 5 पर शिवम दुबे तो नंबर 6 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। वहीं नंबर 7 पर कप्तान MS धोनी दिखेंगे तो नंबर 8 पर मिचेल सेंटनर दिखेंगे और नंबर 9 पर सिमरजीत सिंह खेलते हुए दिखेंगे दीपक चहर की जगह। वहीं नंबर 10 पर तुषार देशपांडे और 11 पर ड्वेन पिटोरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।